بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Welcome back and أهلا وسهلا ومرحبا to another beautiful video and another beautiful and amazing project of Zameen.com. आपको मैं नहीं इस बात पे स्ट्रेस कर सकता या मैं इसको समझा सकता हूँ. I think you can feel it from my emotions and my body language. के आज के डेट में as of the beginning of 2023 zameen.com के टॉप ऑफ द लिस्ट जो प्रोजेक्ट चल रहा है और जो सुपर हीट जिसने पकड़ी हुई है बोथ ऑन द फ्लोर ऑफ पेशावर एंड ऑन द फ्लोर ऑफ इस्लामाबाद. आपको पता है ये दीज आर द टू मेन रीजंस और यहाँ पे zameen.com की बहुत बड़ी फोर्स बैठी हुई है जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को पुश करती है. तो यू कैंट इमेजिन कि अभी कितना हाइप है वन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर एंड दैट इज वन एंड ओनली द प्राइड एंड द क्रेडिट गोज टू द सिटी ऑफ पेशावर कि वो प्रोजेक्ट गुलबहार पेशावर के अंदर लोकेटेड है. इट्स नॉट एक्चुअली गुलबहार लेकिन वो जो रोड है मेन गुलबहार की जो रोड है जो गुलबहार और हुसैनाबाद को स्प्लिट करती है मेन उस रोड के ऊपर है. मैंने लोकेशन वाली वीडियो शेयर कर दी है आप उसको देख सकते हैं, नहीं हुई तो देख लीजिएगा आसपास के ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शंस में. लोकेशन वाली वीडियो देखेंगे तो आपको उसकी लोकेशन का एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि वो कहां पर लोकेटेड है. मैं एक दफा ब्रीफली बता देता हूँ, जब आप मेन जीटी रोड से गुलबहार थाने के पास से गुजर कर जब आप अनम सनम चौक की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट साइड हैंड साइड पे ये आपका गुलबहार है और ये वाली रोड गुलबहार और हुसैनाबाद को स्प्लिट करती है, अलग करती है. राइट हैंड साइड पे हुसैनाबाद है जो जामिया मस्जिद है उसके साथ एडजेसेंट शेल पंप है, ये है हुसैनाबाद का एरिया. फिर शेल पंप के साथ एडजेसेंट सीएनजी है, सीएनजी के एडजेसेंट एक टैक्सी स्टैंड है और उस टैक्सी स्टैंड के साथ वॉल टू वॉल ये हुसैन हाइट्स के नाम से हुसैनाबाद के अंदर ये बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है. इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल. स्ट्रक्चर क्या है, पहले नीचे दो बेसमेंट्स हैं जो डेडिकेटेड पार्किंग्स हैं ऊपर रहने वालों के लिए, फिर उसके बाद लोअर ग्राउंड अपर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर ये सारा कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए है. आप इसमें ऑफिसेज और शॉप्स और बिजनेसेस रोजमर्रा की जिंदगी, क्योंकि आपको पता है ये इलाका जरूरियात जिंदगी से बिल्कुल भरपूर है हर एतबार से. इट्स कंप्लीट, इट्स डेंसली पॉपुलेटेड, सुलझे हुए लोग, मुहज्जब लोग, गुड फैमिलीज विद गुड रेपुटेशंस यहाँ पे लोग रह रहे हैं. इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव. तीसरी बात के थर्ड से ऊपर ऑनवर्ड्स टॉप फ्लोर तक सेवेंथ तक ये सारा रेजिडेंशियल है, 203 बेड्स. यू कैन नॉट इमेजिन अभी अभी उसके ऊपर पाइलिंग का काम शुरू हुआ. पाइलिंग इसे कहते हैं कि लैंड स्लाइडिंग ना हो, दाएं बाएं आगे पीछे चूंकि आबादियां हैं पहले ज़मीन के अंदर ये लोग ड्रिलिंग करते हैं सरिये के बड़े बड़े पिलर्स अंदर डाल देते हैं फिर उसमें पोरिंग होती है वो बाकायदा पिलर्स बन जाते हैं ताकि लैंड स्लाइडिंग ना हो. फिर उसके बाद उसकी खुदाई एक्सकेवेशन होती हैं फिर राफ्टिंग और फिर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऊपर आना शुरू हो जाता है. तो अब ये वाला जो मरहला है पाइलिंग का इट्स एकदम बिगिनिंग, एकदम कंस्ट्रक्शन की स्टार्ट एंड इट्स गोइंग क्रेजी. मैं आपको नहीं बता सकता, इट्स गोइंग क्रेजी. लोग टूट पड़े हैं टू जंप इनटू दिस प्रोजेक्ट. करंट हालात क्या है आपको भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन द पीपल ऑफ पेशावर एंड द पीपल अब्रॉड हु नोस पेशावर उनको पता है कि इस जगह की क्या वैल्यू है एंड दे आर सिंपली गोइंग इनसेन. और यहाँ पर यानी बड़ी तेजी के साथ टोकन्स भी हो रहे हैं, यूनिट्स भी बिक रहे हैं एंड एक साथ साथ चूंकि प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है तो परसेंटेज ऑफ सेल्स और परसेंटेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इनका एक कोई फॉर्मूला है उस हिसाब से ये लोग रेट्स को शूट करते हैं. और इन द बिगिनिंग ऑफ जनवरी इसका रेट एक दफ़ा शूट हमें ईमेल हो चुकी है वो हो जाएगा एंड वेरी सून द रेट्स आर गोइंग टू बी रिवाइज अगेन क्योंकि मुझे पता है कि ये कितनी तेज़ी के साथ बिक रहा है. तो जितनी तेज़ी के साथ चीज़ बिकती है डिमांड जितनी ज़्यादा होती है रेट्स उसके उतने ही ऊपर चले जाते हैं.
ना मैं मजीद तमहीद बांधना चाहता हूँ और ना मैंने ये तमहीदें सुनाने के लिए आपको यानी ये वीडियो में रिकॉर्ड करा रहा हूँ, बल्कि मैं तो आपको इस प्रोजेक्ट का फ्लोर प्लान समझाना चाह रहा था, लेकिन दिस इज आउट ऑफ एक्साइटमेंट कि ये बातें जो मैं कहना नहीं चाह रहा था फिर भी सामने आ रही हैं. Hopefully it gives you the feeling that how excited I personally am about this project. And if you are willing, तो मेरे क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन वाला पूरा कीजिए and then ready to go for this project. तो without wasting any further time, अगर मेरे चैनल को आप हजरात ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि आपको ये वाला चैनल बहुत फायदा पहुंचाने वाला है. इन्वेस्टमेंट करना ना करना मुकद्दर की बातें हैं. मैं बहुत सारे इनिशिएटिव्स इसके अंदर लेने वाला हूं, व्हिच इज गोइंग टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू इंशाल्लाह ताला. एंड चैनल सब्सक्रिप्शन के साथ साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन, हाँ नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए यू विल बी द फर्स्ट वन टू नो अबाउट इट. एक खुशखबरी मैं ये देना चाहता हूँ आप तमाम हजरात को कि चूंकि आई एम अ रिलीजियस काइंड ऑफ अ गाय एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट दैट कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे उलमा के साथ, सुलहा के साथ और मदरसे वालों के साथ थोड़ी बहुत निस्बत दी हुई है. तो प्लेंटी ऑफ पीपल दे अप्रोच मी आस्किंग मी अबाउट मसाइल, शरई मसाइल अबाउट रियल इस्टेट. तो मैं उन तमाम हजरात के लिए, मुझे बहुत सारे कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं जी फलाना प्रोजेक्ट है वो ये चीज़ प्रपोज करे, इज इट हलाल इज इट हराम एंड दिस एंड दैट एंड एक्स वाई एंड जी. तो मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ, वेरी सून मेरा एक टारगेट है मेरी ऑडियंस वहाँ तक पहुँच जाए, अभी तक वहाँ पे पहुँची नहीं है, कि वहाँ तक मेरी ऑडियंस पहुँचती है तो इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट अ स्पेसिफिक प्ले लिस्ट. एक पूरी प्ले लिस्ट मैं इसके ऊपर बनाने लगा हूँ. प्रोजेक्ट है, कंटेंट मेरा बिल्कुल रेडी है, सिर्फ टाइम की बात है, टाइम ज़रा मेरे पास है नहीं. I will start explaining shar'i masail in real estate, investments ke andar bhi, businesses ke andar bhi, what is halal, what is haram, what should you go for and what should you avoid. Samajh mein aayi baat? Kyunki at the end of the day rizq Allah ne diya hai, hum Allah ke sath ilan-e-jang nahi kar sakte. So hopefully if you stay in touch, if you stay tuned to my channel, आपको ये वाले मालूमात बहुत जल्द मिलने वाली हैं. सो हेल्प मी आउट सब्सक्राइबिंग माई चैनल, लाइकिंग इट एंड शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जंप इनटू व्हाट आई वांट टू शो यू. इस प्रोजेक्ट का फ्लोर प्लान, दिस इज माई स्क्रीन, यू कैन सी दिस इज द सेल्स किट फॉर हुसैन हाइट्स पेशावर जो गुलबहार के अंदर वाकया है. दिस इज इट्स फ्रंट एलिवेशन एंड फ्रंट एलिवेशन के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इस राइट हैंड साइड पर थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो शेल पंप है. ठीक है, फ्रंट से इस तरह सीढ़ियाँ अंदर जाती हैं कमर्शियल के अंदर और अंदर से फिर सीढ़ियाँ ऊपर लेकर जाएंगी आपको फर्स्ट फ्लोर में और इधर ही से रास्ता नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ भी जाता है. ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है इसके अंदर यहाँ पर लिफ्ट है जो ऊपर के एक्सेस के लिए है. एक बात तो ये हो गई, फिल वक्त यहाँ पर ये प्लान है, ये मैं आगे उसमें भी समझा दूंगा कि ये वाली जो लिफ्ट है ये सिर्फ फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर और इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए है. ठीक है, और यहाँ पर मेरा ख्याल है अगर बायोमेट्रिक का सिस्टम इन्होंने इंस्टॉल कर लिया तो फिर ये रेजिडेंशियल के लिए यूज़ होगा क्योंकि फिर इसमें कमर्शियल यूज़ वाले लोग जा नहीं सकेंगे. टू गिव द मैक्सिमम प्राइवेसी टू द पीपल रेजिडेंट इन दिस बिल्डिंग. अच्छा, और अगर नीचे बेसमेंट से जाएं ये रास्ता नीचे लोअर ग्राउंड की तरफ जाएगा, लोअर ग्राउंड से फिर बेसमेंट वन फिर बेसमेंट टू की तरफ जाएगा और इसी तरह जब आप नीचे जाते हैं वो मैं फ्लोर प्लान में समझा दूंगा आपको. पार्किंग से बैक एंड पे यहाँ पर दो लिफ्टें हैं विच आर डेडिकेटेड फॉर द रेजिडेंशल्स कि उसके अंदर कोई नहीं जा सकेगा सिवाय रेजिडेंशियल जो अंदर रहने वाले लोग हैं ऊपर बिल्डिंग में सिर्फ वो ही इस्तेमाल कर सकेंगे. और पार्किंग चूंकि फ्रंट पे भी है और बिल्डिंग के आसपास पार्किंग की और भी कमर्शियल यूज़ के लिए अरेंजमेंट्स हैं और यहाँ पर वॉक इन कस्टमर चूँकि बहुत ज़्यादा है
तो गाड़ियों की डेंस पॉपुलेशन है यहाँ पर, तो बहरहाल कमर्शियल के लिए पार्किंग्स की जरूरत होती है, तो बिल्डिंग के फ्रंट पे काफी सारी पार्किंग की भी अरेंजमेंट है, ओपन पार्किंग जो होती है, लोग आएंगे गाड़ी पार्क करके जरूरत पूरी करके निकल जाएंगे। रोड के दोनों साइड पे यहाँ पर भी है, ऑपोजिट साइड पर भी पार्किंग है, राइट एंड लेफ्ट में भी पार्किंग प्रोजेक्ट राइट एंड लेफ्ट में भी बहुत सारी पार्किंग है, एंड आई विल एक्सप्लेन इट। दिस इज द फ्रंट एलिवेशन एट द मोमेंट, यू कैन सी इट, ठीक है। अच्छा, मैं आपको फ्लोर प्लान चूंकि समझाना चाहता हूँ, तो मैं जरा जल्दी से इसका व्यू आपके लिए सेट कर दूं। नाउ जस्ट हैव अ लुक एट दिस, ये बिल्डिंग की एंड है, ठीक है, एंड दिस इज द रोड साइड, ठीक है, और रोड साइड पर दिस इज द ग्राउंड फ्लोर जो आप ऊपर तस्वीर में नजर आया था, ठीक है। गाड़ी आएगी ग्राउंड फ्लोर से यहां पर रेजिडेंट, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर जो बेसमेंट पार्किंग्स है वो कमर्शियल्स वालों के लिए नहीं है, दोज आर डेडिकेटेड फॉर द रेजिडेंशियल्स, तो रेजिडेंट लोग जो हैं वो ऊपर वो गाड़ी रोड से लाएंगे, ग्राउंड फ्लोर से जो रैंप नीचे जा रहा है वो रैंप में चले जाएंगे, तो यहाँ पर वो डिसअपियर हो जाएंगे, वो यहाँ पर शो होंगे, ये वही रैंप है, यहाँ पर नीचे गाड़ी जाएगी, तो दिस इज द लोअर ग्राउंड, ये वाला रैंप ये कंटिन्यू हो रहा है, यूं गाड़ी नीचे जाएगी और फिर ये अपियर होगी यहाँ पर, गाड़ी यहाँ पर लैंड करेगी, दिस इज बेसमेंट वन, गाड़ी यहाँ पर लैंड करेगी, सही है, यहाँ पे लैंड करके यू टर्न करके वापस यूं आएगी गाड़ी और इस रैंप के ऊपर वापस नीचे जाएगी, यहाँ से दोबारा डिसअपियर हो जाएगी, यहाँ से नीचे जाएगी तो यहाँ पर शो हो जाएगी, फिर गाड़ी आकर यहाँ पर लैंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी आ गई यहाँ पर, पार्किंग कर ली, ये रहा यहाँ पे लिफ्ट, ये भी एक लिफ्ट है, ये भी एक लिफ्ट है, दो लिफ्ट है ना यहाँ पे, तो इन लिफ्टों से भी ऊपर आ सकता है डायरेक्ट अपने रेजिडेंस के अंदर, या बिल्डिंग को छोड़ते वक्त वो वापस आया, यहाँ से गाड़ी निकाली, इस रैंप से ऊपर गया तो यहाँ जाएगा, वापस यूं आएगा और इस रैंप से ऊपर लोअर ग्राउंड की तरफ चला जाएगा, तो ये लोअर ग्राउंड से ऊपर आएगा तो यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से बाहर बिल्डिंग से एग्जिट कर जाएगा। तो होपफुली ये आपको वाजे हो गया होगा, ये वाली जो लिफ्टें हैं इसको बाहर का आदमी एक्सेस कर ही नहीं सकता, दीज आर स्पेसिफिकली फॉर द रेजिडेंस ऑफ दिस बिल्डिंग, उनकी गाड़ियां रजिस्टर हैं, सिक्योरिटी गार्ड ऊपर खड़ा है, वो बैरियर वहां पे लगा हुआ है, उनके अपनी एंट्री का सिस्टम है, सही है, मोस्ट प्रॉब्ली वो डिजिटाइज्ड सिस्टम बना रहे हैं जिससे वो गाड़ी खुद बहुत स्कैन होगी, बैरियर खुल जाएगा और गाड़ी नीचे चली जाएगी, जिसके पास वो नहीं होंगे एक्सेस की चीज़ें तो दे वोंट बी एबल टू एक्सेस इट। अच्छा, तो ये ग्राउंड फ्लोर के अंदर दीवार के साथ जो मैंने आपको दिखाया था ये एक और लिफ्ट है, इस लिफ्ट से फिल वक्त तो इनका प्लान ये है कि कमर्शियल वालों को यूज़ करने दिया जाए, लेकिन एक दफ़ा जब प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, एंड में वो इसका फैसला करेंगे कि यहाँ पे किस नेचर का बिजनेस लॉन्च हो रहा है स्पेसिफिकली इन फ्लोर वन, ये रहा फ्लोर वन, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लोअर ग्राउंड, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, ये तीनों कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह आ गए हैं या क्लिनिक्स खुल गई हैं तो फिर ये शायद पेशेंट्स के लिए इसको छोड़ दें, वरना तो यहाँ पर एक्स वाई एंड जी हर कोई इसको यूज़ नहीं कर सकेगा इस लिफ्ट को, या शायद ये यहाँ से यानी ये फिल वक्त ये वाली जो लिफ्ट है ये हॉल्ट पे है कि इसको दोनों पर्पसेस के लिए रखा जाए या सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए रखा जाए, पिछला तो है ही रेजिडेंशियल लोगों के लिए, लेकिन आफ्टर द लॉन्चिंग आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट दे विल डिसाइड अकॉर्डिंग, या इसका एक हल ये भी है क्योंकि मैं उनके साथ मीटिंग में बैठा था, उन्होंने बताया था यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, जो ऊपर बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया जाए, बायोमेट्रिक रेजिडेंशियल्स इसको अप्रोच कर सकें, और बिजनेस नेचर के ऊपर अगर किसी के फर्स्ट फ्लोर के अंदर फॉर एग्जांपल मीटिंग है तो सिक्योरिटी गार्ड विल गिव देम द एक्सेस टू अप्रोच टू द फर्स्ट फ्लोर इन द लिफ्ट। और बाकी असल कहानी इसमें यह है कि जब आप ग्राउंड फ्लोर के अंदर आते हैं तो आते साथ ही ये जो पैसेज वे है और कॉरिडोर्स जो हैं यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, एक बड़ा इजी एक्सेस है वॉकिंग फर्स्ट फ्लोर के लिए, लेकिन फॉर एग्जांपल ऊपर एक डॉक्टर साहब हैं
और उनके एक पेशेंट है जो व्हीलचेयर पर है और उनको ऊपर जाने की जरूरत है, तो डेफिनेटली दे विल बी गिवन द एक्सेस ऑफ दिस लिफ्ट। समझ में आई ये बात? तो गोया के यू कैन फील द फीलिंग, जो 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 मुझे फीलिंग आती है कि इसका भी 90% यूज जो होगा वो रेजिडेंशियल ही करेंगे, कमर्शियल वालों के लिए जरूरत ही नहीं है कि वो इसको यूज करें। या तो कमर्शियल वाले कस्टमर्स जो आएंगे वो यहाँ पर वॉकिंग ही सारी तीनों फ्लोर को वो छान सकते हैं, वरना वक्त के साथ साथ दुकानों की मार्केटिंग हो जाती है, बिजनेसेस की मार्केटिंग हो जाती है, हर किसी का अपना स्पेसिफिक क्लाइंट होता है, तो वो क्लाइंट उन्हीं के पास आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली दिस लिफ्ट विल बी डेडिकेटेड फॉर देयर रेजिडेंशियल पर्पसेस। होपफुली पॉइंट बहुत क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अभी चलते हैं, मैं बाकी ऊपर जो है ये अपार्टमेंट्स हैं, लेकिन मैं अपार्टमेंट्स आपको जरा दूसरी ड्राइंग दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये हम आ गए लोअर ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, लोअर ग्राउंड पहले ग्राउंड पे ये गाड़ी यहाँ से नीचे जाएगी, तो ये लोअर ग्राउंड वाला जो रैंप है इसी से नीचे होते हुए बेसमेंट पे लैंड कर जाएगी, फिर दूसरे बेसमेंट में वापस जा सकती है, पार्किंग कर सकती है। ठीक है, ये लिफ्टें हैं, लिफ्टों से जब आप ऊपर आते हैं तो ये तो लिफ्टें जाएंगी सीधा कमर्शियल्स के अंदर ना, तो ये वाली लिफ्ट आपको लोअर ग्राउंड, ये वाली लिफ्टें तो जाएंगी सीधे रेजिडेंशियल्स के अंदर, और ये वाली लिफ्टें आपको कमर्शियल्स के अंदर ला सकती हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे तो ये देखें ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, लोअर ग्राउंड के ऊपर ये सारी शॉप्स हैं। ठीक है, शॉप साइजेस दी हुई हैं, आपको ये मैप चाहिए तो आप मुझसे रब्ता करें, और मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करेंगे तो ये वाले मैप्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यू कैन चेक द साइजेस, और ये यही साइज हैं नेट साइजेस जो आपको शॉप्स मिलेंगी, लेकिन जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ की जो साइजेस हैं उसके साथ पार्किंग में 200 स्क्वायर फीट मजीद भी ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि उनको पार्किंग भी दी जाएगी। ये सीढ़ियाँ हैं जो ग्राउंड फ्लोर को कनेक्ट करती हैं, लोअर ग्राउंड को कनेक्ट करती हैं अपर ग्राउंड के साथ, बाहर मेन रोड से ये सीढ़ियाँ आपको नीचे लेकर आएंगी। ठीक है, अब ये हो गया लोअर ग्राउंड, ये हो गया अपर ग्राउंड फ्लोर। अपर ग्राउंड फ्लोर में राइट लेफ्ट से रास्ता ऊपर को जा रहा है और बीच में रास्ता नीचे लोअर ग्राउंड को जा रहा है, तो ये खुला इन्होंने रखा हुआ है ताकि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ये ज़रा व्यू सभी बने और कस्टमर इंगेज भी हो सके, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है क्लाइंट को एक्सप्लोर करने की। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। यहाँ पे बैक एंड पे भी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन एज आई टोल्ड यू ये डेडिकेटेड है फॉर द रेजिडेंशियल्स। यहाँ से सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर तक तो एक्सेस होगा, लेकिन नॉट बियॉन्ड दैट। ठीक है, कमर्शियल वाले लोग रेजिडेंशियल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग के अंदर स्टेप इन नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये बात भी हो गई। और यहाँ पर फिर क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर में आप आ जाएं, जब हम फर्स्ट फ्लोर में आ जाते हैं तो दिस इज द फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर के अंदर ये लिफ्ट से चाहे आप आ जाएं, यहाँ पे शॉप है, ये ऑफिसेज दोनों यूज के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। फर्स्ट फ्लोर के अंदर ये वॉशरूम्स वगैरह और रिलैक्सेशन के लिए, ये यूँ कह लेना वो ज़रूरियात के लिए जगह बनी हुई है फॉर द पीपल लिविंग इन कमर्शियल्स। ये गार्बेज शूट है इन द एंड, ये जो कूड़ा करकट घरों के अंदर या शॉप्स के अंदर वो लोग उसको यहाँ से नीचे फेंक सकते हैं। बेसमेंट के अंदर इसकी अपनी सफाई सुथराई के लिए मैनेजमेंट टीम रखी हुई होती है, वो इसकी दे विल लुक आफ्टर इट। अच्छा, यहाँ पर जब आप फर्स्ट फ्लोर में आ चुके हैं, अब फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर के दरमियान दे विल कम अप विद अ बैरियर ओवर हियर, चाहे वो बायोमेट्रिक हो चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड के ज़रिए से हो, तो मोस्ट प्रोबेबली ये लोग बायोमेट्रिक ही करेंगे कि यहाँ पर अब एक बैरियर है, कमर्शियल्स वाले इन सीढ़ियों से नीचे ऊपर तो जा सकते हैं, लेकिन रेजिडेंशियल्स वो ऊपर से नीचे आ सकते हैं, नीचे से ऊपर जा सकते हैं, हर खास व आम नीचे से ऊपर नहीं जा सकेगा, टू गिव मैक्सिमम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी टू द रेजिडेंट्स ऑफ दिस बिल्डिंग। होपफुली बहुत क्लियर हो गया होगी। ठीक है, एंड दीज आर द मिडिल स्टेयर्स जो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर को आपस में कनेक्ट करती हैं, और फ्रंट पे भी, फ्रंट से भी, यानी जब आप ग्राउंड फ्लोर में चढ़ गए, ये रहे ग्राउंड फ्लोर में चढ़ गए, तो यहाँ से भी स्टेयर्स की कोई सूरत है जो ऊपर से फर्स्ट फ्लोर को
ग्राउंड फ्लोर के साथ कनेक्ट करती है एयरी स्टेयर्स. व्हेन वी कम टू द अपार्टमेंट्स, ठीक है, ये थर्ड टू सेवेंथ फ्लोर, ये सारा कॉमन है इसका डिजाइन. आपको इतना तो अंदाजा हो गया ना कि ये फ्रंट है तो बिल्डिंग रोड भी इसी साइड पे है. बिल्डिंग्स के अंदर और गुलबहार ये हुसैनाबाद जैसे इलाके के अंदर, यू नो कि ये आबादी कितनी कंजस्टेड है. इस कंजेशन के बावजूद, कंजेशन की वजह से यहाँ पर एक बहुत बारीक चीज है जिसको इन्होंने हाईलाइट किया है, इनका इसकी तरफ ध्यान हुआ है, एंड दैट इज द वेरी वेरी मच पॉजिटिव पॉइंट व्हिच ब्यूटिफाइज दिस प्रोजेक्ट. वो क्या है कि कोई अपार्टमेंट इन्होंने ऐसे नहीं छोड़ा जिसमें फ्रेश एयर, वेंटिलेशन, बालकनी ना हो. दैट इज अमेजिंग, क्योंकि यहाँ पे आबादी है बिल्कुल वॉल टू वॉल है, ठीक है, वॉल टू वॉल आबादी है, लेकिन इन्होंने इसका बहुत ध्यान रखा हुआ है, which gives this project 10 stars. ठीक है, अब मैं इसको बैक एंड से स्टार्ट करता हूँ. ये बिल्डिंग की बिल्कुल बैक है, सही है. ये अपार्टमेंट वन है, पांच अपार्टमेंट, ये मैं जरा जूम आउट करके आपको समझा दूं, ये पांच अपार्टमेंट राइट हैंड साइड पे हैं और पांच अपार्टमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं. अच्छा, इसमें हर फ्लोर में दो थ्री बेड के अपार्टमेंट्स हैं और आठ दो बेड के अपार्टमेंट्स हैं. हर अपार्टमेंट का साइज दूसरे से मुख्तलिफ है, डिजाइन ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, सही है. और दो अपार्टमेंट हैं थ्री बेड के और आठ अपार्टमेंट हैं दो बेड के, वो मैं आपको समझाता हूँ. अच्छा, दो बेड वाले अपार्टमेंट में, दिस इज अपार्टमेंट नंबर वन, दिस इज टू बेड अपार्टमेंट, 953.41 स्क्वायर फीट ये वाली जगह है, प्लस 200 स्क्वायर फीट इसके नीचे बेसमेंट में पार्किंग भी है. जो भी इसको परचेस करेगा वो 953 के हिसाब से नहीं होगा, वो प्लस 200 स्क्वायर फीट इसमें ऐड करेगा, फिर जो टोटल वो वैल्यू बनेगी उसके हिसाब से उसका बिल बनेगा, जो भी है वैल्यू बनेगी ऑफ द यूनिट. दिस इज द लार्जेस्ट टू बेड अपार्टमेंट इन दिस बिल्डिंग. और इसी के सामने अपार्टमेंट नंबर 10 है, दिस इज द स्मॉलेस्ट टू बेड अपार्टमेंट इन दिस बिल्डिंग. ये 500 स्क्वायर फीट नहीं है एक्चुअली, प्लस 200 और भी है जो नीचे इसके लिए डेडिकेटेड कार पार्किंग है. सो ये मिलाकर ये 700 स्क्वायर फीट बन जाता है. अच्छा, अपार्टमेंट नंबर वन, आप लिफ्ट से आए बाहर, ये लॉबी है 5 feet वाइड, 5 feet इसमें वो जो डबल किंग साइज बेड होता है ना वो आसानी से गुजर सकता है, वो 5 feet का होता है, और जो किंग साइज है, और जो जो मास्टर बेड है, जो किंग साइज है वो 6 feet का होता है, जो मास्टर बेड होता है बड़े साइज का डबल बेड जिसे कहते हैं वो 5 feet वाइड होता है, तो वो डबल बेड इसमें से गुजर सकता है, किंग बेड नहीं, सॉरी, तो 5 feet वाइड है. अच्छा, आगे देखिए, ये इसकी एंट्रेंस है. एंटर होते साथ ही ये आपके सामने आ गया सिटिंग एरिया लाउंज, और लाउंज डायरेक्ट बालकनी है जहाँ से सनलाइट भी आएगी, फ्रेश एयर भी आएगी, एंड यू कैन ऑल्सो रोम अराउंड इन दिस टू इंजॉय द कूल एयर, द फ्रेश मॉर्निंग एयर इन द बालकनीज, ठीक है. अच्छा, दूसरी बात, इसी लाउंज के बिल्कुल सामने इज योर किचन, ठीक है, और ये जो बालकनी है ये 280 डिग्री बालकनी है, ठीक है, 280, यूं भी आया, यूं भी आया, यूं भी आया, सही है. यहाँ पर दिस इज 4 feet वाइड बालकनी, ये 5 feet का जितना रास्ता है, सही है, और दिस इज 4 feet वाइड, एंड लुक एट द डेप्थ, नाउ यू कैन इमेजिन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, सही है. इसके यहाँ पे स्लाइडिंग डोर, और किचन से भी डायरेक्ट वेंटिलेशन है, यू कैन हैव द ब्यूटीफुल फ्रेश एयर एंड ब्यूटीफुल सनलाइट फ्रॉम हियर, ठीक है, ये दो बातें हो गई. अच्छा, अब जब नीचे की तरफ आते हैं, दिस इज टू बेड, तो ये टेरेस के साथ ही यहाँ पर राइट साइड पे दिस इज बेडरूम वन विद अ ड्रेसिंग एंड अ वॉशरूम, ठीक है, ड्रेसिंग से ही इस साइड पे वॉशरूम है, और बेडरूम टू के अंदर ऑलमोस्ट द सेम बेडरूम, ड्रेसिंग इसकी बाहर है, एंड इनसाइड इज द बिग ह्यूज वास्ट वॉशरूम, सही है. सो लाउंज किचन टू बेडरूम्स. इसी तरह ये अपार्टमेंट नंबर टू है, ये यहाँ से अंदर आए, लाउंज सामने किचन टेरेस
और लॉबी के साथ ये रहा बेडरूम वन विद अटैच बाथरूम एंड ड्रेसिंग एंड दिस इज अटैच बाथरूम एंड ड्रेसिंग फॉर द बेडरूम नंबर टू. तो ये फर्स्ट का ही नक्शा है लेकिन फ्लिप हुआ हुआ है, ठीक है, उस साइज में भी थोड़ा सा निस्बतन छोटा है. सही है, ये 953 है, ये देखिए 901 है. सेम गोज फॉर अपार्टमेंट नंबर 3 एंड अपार्टमेंट नंबर 4. ये उसी तरह अपार्टमेंट 1 की तरह आपस में चिपके हुए टू बेड हैं एंड फ्लिप हुए हैं. व्हेन यू कम टू द अपार्टमेंट नंबर 5, दिस इज माय फेवरेट पार्ट, ये मुझे पर्सनली अपने लिए पसंद है. अच्छा, यहाँ से दरवाजे से अंदर गए, इट्स अ ह्यूज ह्यूज लाउंज, ठीक है, बहुत बड़ा लाउंज है, 17.3 फीट टाइम्स 18.9 फीट, इट्स ह्यूज, ये बड़ी जगह है. और इसके बिल्कुल सामने, मेन गेट के बिल्कुल सामने बेडरूम वन का दरवाजा है. तो बेडरूम वन के अंदर जब आप जाते हैं, दिस इज बेडरूम वन और इनका मीडिया वॉल, और यहाँ से ही आपका ये ड्रेसिंग, और फिर यानी ड्रेसिंग बाहर है, वॉशरूम, दिस इज योर बाथरूम. अच्छा, जब आप यहाँ से बाहर आते हैं तो दिस इज चूंकि अ मीडिया, क्या नाम है, अ लाउंज, तो लाउंज के अंदर यू कैन यूज दिस वॉल एज अ मीडिया वॉल, डेकोरेशन वगैरह जो भी हैं. इसी लाउंज के साथ ही आपका किचन हुआ, एंड दिस इज माय फेवरेट पार्ट. यार मुझे पता नहीं ये वाले जो पैसेज वेज होते हैं ये मुझे क्यों पसंद है. अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, पार्क 1 F103 के अंदर हमारा एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है, उसके अंदर एक मॉडल अपार्टमेंट बना हुआ है, उसके अंदर सेम ये वाले पैसेज वेज हैं. मुझे घरों के अंदर ये छोटी छोटी सी जो गलियां होती हैं, आई लव देम, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, लेकिन दे टच मी, पता नहीं क्यों, और मुझे इसकी कोई खास साइंस भी समझ में नहीं आती, बट आई लव देम. वो गली सी होती है और गली के अंदर दो दरवाजे, अब मैं वो वीडियो देख लीजिएगा, मैंने उस मॉडल अपार्टमेंट की भी वीडियो बनाई हुई है, उसका भी बिल्कुल सेम ऐसे ही पैसेज वे के अंदर आते हैं, सामने एक बेडरूम है और लेफ्ट साइड पे एक बेडरूम है, ठीक है, इस रास्ते से अंदर आए, ये रहा एक बेडरूम और ये उसका बेडरूम, ये बालकनी के लिए खुला एक्सेस, और दिस इज द ड्रेसिंग, दिस इज द बाथरूम, निकल आए दूसरा बेडरूम, दिस इज द मीडिया वॉल, दिस इज द क्या नाम है ड्रेसिंग एरिया, एंड दिस इज बाथरूम नंबर 2. सही है, बेडरूम नंबर 2 के लिए बाथरूम है. सो वेंटिलेशन इसमें ठीक ठाक है, इस बेडरूम के लिए भी, ये देखें बालकनी का एक्सेस है, 2 फीट वाइड बालकनी है, और इसके लिए भी है 2 फीट वाइड बालकनी, डोंट फॉरगेट इट, इन्होंने यहाँ पे दिए हुआ है, दिस इज 2 फीट वाइड बालकनी. अगर आप बिल्डिंग में देखें अक्रॉस द अपार्टमेंट्स, ये सारी इन्होंने इस चीज का लिहाज किया हुआ है, देखें राइट हो चाहे लेफ्ट हो, इन्होंने इसका लिहाज किया हुआ है. और दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको बहुत सारी जगहों में नहीं मिलता. अच्छा, जब लेफ्ट साइड पे आते हैं तो लिफ्ट के साथ दिस इज अगेन 2 बेडरूम अपार्टमेंट, ठीक है, लिफ्ट से निकले यहाँ पर अंदर गए, और जब अंदर जाते हैं तो सामने ये आपका लाउंज है, उसके सामने ये मीडिया वॉल है, और इसके साथ ये लाउंज के साथ किचन, और दिस इज बेडरूम नंबर 1, और ये उसका अटैच बाथरूम. सही है, और जब आप नीचे आते हैं तो दिस इज बेडरूम नंबर 2, दिस इज द मीडिया वॉल फॉर द बेडरूम 2, ये इसकी ड्रेसिंग और ये इसका वॉशरूम. तो फिर बेडरूम अपार्टमेंट नंबर 7, अगेन ये उसी 3 की तरह ही है, लेकिन इसका साइज थोड़ा सा छोटा है, 5 की तरह, ये अपार्टमेंट नंबर 5 की तरह. इस दरवाजे से अंदर आए, लाउंज है, दिस इज ओपन वर्क स्पेस या ओपन किचन कह लें, एंड इट ऑल्सो कैन बी कवर्ड ऑन डिमांड, इसके तरीका बन सकता है, लेकिन डिज़ाइन में इन्होंने यहाँ पर ओपन टाइप का किचन दिया हुआ है. एंड इसके बिल्कुल सामने दैट इज बेडरूम नंबर 1 विद इट्स ओन बाथ, और फिर ये सामने बेडरूम नंबर 2, इसका मीडिया वॉल और इसका बाथ और ड्रेसिंग एरिया रादर, और दिस इज बेडरूम नंबर 3 एंड दिस इज इट्स बाथ. ठीक है, यहाँ पर इसका ड्रेसिंग का सिस्टम बन सकता है, इस साइड को इसमें भी, यहाँ पर दूसरे जगह पे, इस जगह पे ये क्या नाम है ड्रेसिंग की तरतीब बन सकती है. लेकिन इस कम बेडरूम डायरेक्ट ये खुला हुआ है ओपन एयर की तरफ, और यहाँ पर बालकनी दी हुई है इस बेडरूम के लिए. होपफुली दैट इज़ वेरी मच क्लियर. सो अब चूंकि इस 3 बेड में और इस 3 बेड में ये फ़र्क हुआ,
कि इस 3 बेड के 1 कमरे में बालकनी है और इसके 3 बेड के 3 कमरे में बालकनी है, यू कैन नाउ फील द डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑफ द 3 बेड्स. ठीक है, दैट इज व्हाई अपार्टमेंट नंबर 5 इज माय फेवरेट. आगे चलिए, अपार्टमेंट नंबर 8, ये उसी 1, 2, 3 के रेप्लिकाज हैं और चलें इसको भी गो थ्रू कर ही लेते हैं. दिस इज 8. अंदर आए, लाउंज राइट हैंड साइड पे बेडरूम 1 विद इट्स अटैच बाथरूम, फिर ये बेडरूम 2 ड्रेसिंग अटैच बाथरूम, फिर ये सामने ही टेरेस और फिर ये सामने ही किचन. तो 2 बेडरूम लाउंज टेरेस विद किचन, ब्यूटीफुल ओपन स्पेस. ठीक है, एक बेडरूम के साथ यहाँ पर वो है बालकनी. यहाँ पर चूंकि ये अलग अपार्टमेंट, ये अलग अपार्टमेंट, ये इनकी शेयरिंग बालकनी नहीं है, दोज विल बी डिवाइडेड वन वे और द अदर, ताकि प्राइवेसी हर किसी की सालिम रहे. आगे चलिए, दिस इज अपार्टमेंट नंबर 9. इसके अंदर आए, लाउंज सामने ही किचन, वाइड टेरेस, राइट साइड पे बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2 विद देयर ओन रिस्पेक्टिव बाथरूम्स. अच्छा, ये सबसे छोटा, सबसे नन्ना मुन्ना 2 बेडरूम का अपार्टमेंट, विच इज अगेन सो एडोरेबल एंड ब्यूटीफुल, कि मैं आपको क्या बताऊं, आई लव इट. छोटा है लेकिन बड़ा प्यारा है. यहाँ से अंदर आते हैं, ब्यूटीफुल स्मॉल सिटिंग लाउंज एंड बेडरूम 1 अटैच विद बेडरूम नंबर 2. दोनों के अंदर उनके अपने अपने क्या नाम है बाथरूम्स हैं, इसका ये बाथरूम, इसका ये बाथरूम, और दोनों के लिए कॉमन बालकनी. दैट इज सो ब्यूटीफुल. इन्होंने इसमें भी बालकनी नहीं छोड़ी, यानी इन्होंने बालकनी की जगह दे रखी है इस, क्या नाम, मिस नहीं किया इस अपार्टमेंट में भी. और इसके सामने ये 6x6 square feet, इट्स बहुत खुला बड़ा तो नहीं है, लेकिन इट्स स्पेशियस इनफ फॉर 2 to 3 people टू वर्क इन साइड, के वो अगर 2-3 बंदे काम करें, चाय पका रहे, खाना पका रहे, वगैरह, वो दैट इज पॉसिबल. सो दिस इज व्हाट इट इज. दिस इज द ग्राउंड फ्लोर ऑफ हुसैन हाइट्स, सॉरी ग्राउंड फ्लोर कह रहा हूँ, दिस इज द फ्लोर प्लान ऑफ हुसैन हाइट्स. सो होपफुली यू गाइज लव इट एंड यू गाइज लाइक इट. I repeat once again, this is something that you do not want to miss. ये ऐसी inventory है, ये ऐसा project है, इसकी location की वजह से आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि इतना अच्छा, खूबसूरत, सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल जाए. I can guarantee that. And by the way, मैं बहुत कम चीज़ों के बारे में इतने धड़ल्ले के साथ दावे करता हूँ, जितनी खुशी और एक्साइटमेंट के साथ मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में ये बात कर रहा हूँ. ये मैंने अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए सजेस्ट किया है. मैंने उनको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मैंने उनको भेजी है, जो मेरे सबसे करीबी, मेरे इनर सर्कल के ताल्लुक में लोग हैं, उनको मैंने भेजी थी. जब मैं अपने करीबी रिश्तेदारों को एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ, और अपनी ज़ाती पसंद भी मुझे है कि अगर यानी मेरी तरतीब बन सके और मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकूँ, आई विल नेवर लेट इट गो, आई विल गो फॉर दिस प्रोजेक्ट. मुझे अगर अभी पैसे मुझे दिए जाएं या मेरे पास बंदोबस्त हो जाए कि यार तुम उठा लो, तो आई कैन स्वेयर बाय गॉड, आई कैन स्वेयर बाय अल्लाह, आई विल गो फॉर इट स्ट्रेट अवे. ये इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है लोकेशन की वजह से. सो हदीस के अंदर भी आता है, لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هرگز مومن ہو نہیں سکتے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند ہے. مجھے یہ چیز اپنے لیے پسند ہے, اور اس کے ریٹ ان قریب شوٹ ہونے والے ہیں, اور یہ واحد ایسا پروجیکٹ ہے اسلام آباد اور پشاور کے اندر, صحیح ہے, کہ جو آپ شارٹ ٹرم کے لیے رکھو تو بھی آپ کو فائدہ دے گا, لانگ ٹرم کے لیے رکھو تو پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں. اس کا رینٹل بھی اچھا ہے, اور یہ آپ کو فیوچر میں جو اس کی اپریشیشن ہے وہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی مارولس, دیٹ از گوئنگ ٹو بی میسو. بہت اچھا ریٹرن دینے والا پروجیکٹ. اپنی ذاتی استعمال کے لیے رکھیں تو یو گیٹ دا لائف اسٹائل آف گل بہار اینڈ حسین آباد, اور اگر آپ رینٹل پہ دے دیں تو آپ کو آپ کی پسند کا رینٹ ملے گا. تو اس سے زیادہ میں اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کر سکتا. جو گراؤنڈ فیکٹس, ریئلٹی, حقائق ہیں, وہ میں نے آپ کے آگے رکھ دیے ہیں. اب کوشچن مارک آتا ہے کہ پروجیکٹ ڈیلیور ہوگا بھی صحیح کہ نہیں. اور محترم,
ये वाला होमवर्क हमारी साइड से zameen.com करके फारिग हो चुका, जमीन ने ऑनबोर्ड किया है, दैट इज मोर देन इनफ। वो जितनी होमवर्क करते हैं ना, शायद मैं और आप मिलकर भी इतनी होमवर्क ना कर सके, वो अपना होमवर्क करके फारिग हो चुके। नंबर टू, जो इसका मालिक है वो तगड़ा आदमी है कि नहीं, मैं पर्सनली इनके मालिक को जानता हूँ, ही इज अ गाय ऑफ फाइव स्टार्स, फाइव स्टार रेटिंग वाला बंदा है, 100% ऑथेंटिक, ही इज देयर एंड ही विल डिलीवर इट। तीसरी बात, कंट्रैक्टर इसका माड़ा तो नहीं, कंट्रैक्टर इसका वो आदमी है जो पेशावर के टॉप 5 के बिल्डर्स में से एक है, यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर ऑलरेडी वो 6-7 प्रोजेक्ट्स, लंबे बड़े बड़े बिल्डिंग टावर्स वो बनाकर डिलीवर करके फारिग हो चुका है, उनका नाम है मार्केट के अंदर। मजीद ये वाली डिटेल्स जाननी है तो कॉन्टैक्ट इसीलिए दिए हुए, हर बात बताई नहीं जा सकती, यहाँ पे हमसे रब्ता करें, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू इंशाल्लाह। कोशिश ये कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर इसीलिए दिए हुए ताकि आप व्हाट्सएप करें, ईमेल दिए हुए ताकि आप ईमेल करें, फोन हर वक्त आदमी अवेलेबल नहीं होता बात करने के लिए, लेकिन जो भी ईमेल व्हाट्सएप आती है मैं ज़ाती तौर से खुद ही उसको रिस्पॉन्ड भी करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, मौका लगता है कॉल भी मैं खुद ही करता हूँ, सो डोंट यू वरी अबाउट दैट एंड आई एम अवेलेबल टू गाइड यू। वीडियो बहुत लंबी हो गई और मैं भी थक गया, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में ज़रा कोई बातें भी करें, जो मसाइल मुझसे फ़ोन पे मैसेजेस पे पूछते वो नीचे कमेंट सेक्शन में ही पूछ लो, एल्गोरिदम्स चैनल को प्रमोट करने में बहुत सपोर्ट करती है। आखिरी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, अगली वीडियो तक के लिए मैं तो कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए कंटेंट बनाऊँ, आप हजरात क्या करें, नमाजों का एहतमाम और बड़ों का एहतराम। السلام عليكم